वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अगरकर स्पेशल में। गाइस आज की वीडियो में बात करना है वीवो Z1 Pro के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा वीवो Z1 Pro सेट है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो कैसे काम करता है। और यदि आपको नहीं मिला है इस अपडेट यह अपडेट तो आपको कैसे लेना है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपडेट के ऊपर कि कैसे अपडेट करना है मोबाइल को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग पे। जैसे आप सेटिंग पे आते हैं देखते हैं यहाँ पे नीचे जो है सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी वन छपा होगा। और यदि आपका ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सिस्टम अपडेट पे फिलहाल टच करना है आपको, यहाँ से बैक ले लेना है, उसके बाद सिस्टम अपडेट पे जाना है यहाँ पे। और जैसे सिस्टम अपडेट पे आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्जन जो है 6.70.12 आ चुका है जो 163.97 MB का है। तो आपको सिंपली डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से यह सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड होने लगेगा। अगर आप डाटा यूज करते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको अगर नहीं मिल रहा ये ऑप्शन तो कैसे मिलेगा। और जहाँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा इसलिए चूंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें चेंजिंग क्या कुछ मिलने जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो दिया गया है, मैं इसको पॉज करके आपको दिखा देना चाहूंगा जो कुछ दिया है वो यहाँ पर है। देखिए कॉल के बारे में, यानी फिक्स द इशू ऑफ ओकेजनल साउंड लॉस ड्यूरिंग कॉल, यानी कॉल के समय जो आपका साउंड था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया है। साथ ही साथ एक चीज आप पहले से भी जानते हो, मैंने पहले से ही बताया है कि इसमें कोई भी आपका डाटा इरेज नहीं होने जा रहा है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत करके ये अपडेट को कर लें। और भी क्या कुछ खास मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, बस वीडियो लास्ट तक बन लीजिए। चलिए मैं डाउनलोडिंग को कंटिन्यू कर लेता हूं और यहां पे आप देख लीजिए मेरा ये जो है डाउनलोडिंग हो रहा है और बहुत ही जल्दी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये डाउनलोड का स्पीड डिपेंड करता है आपके डाटा नेटवर्क के ऊपर, जितना फास्ट आपका नेटवर्क है उतना ही स्पीड डाउनलोड हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद रीस्टार्ट होता है, फिर क्या क्या चेंजिंग कुछ मिलेगा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए मेरा डाउनलोडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है और आप देख लीजिए यहाँ पे अब ये मेरा जो है 90% हो गया, यानी 100% होने वाला है और ये ऑटोमेटिक चूंकि रीस्टार्ट हो जाएगा फोन, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। चलिए देखिए मोबाइल मेरा रीस्टार्ट हो रहा है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देना जब तक ये रीस्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोन जो है रीस्टार्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से कुछ ये टाइम ले रहा है जब तक मैं इसको पॉज करता हूँ। और अब इस तरह से देख लीजिए मेरा जो ऐप है ऑप्टिमाइज हो रहा है, बहुत ही जल्दी भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद में चलिए आपको दिखाता हूँ ये ऑप्टिमाइज होने के बाद होता क्या है। देखिए मेरा ऑप्टिमाइज जो है कंप्लीट हो चुका है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिस तरह से ऐप होता है जितना ज़्यादा ऐप होता है आपके मोबाइल पर उतना ज़्यादा ये टाइम लेता है। और ये अब मेरा जो है अपडेट हो गया है। अब मैं इसको पैटर्न को खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ नया मिल रहा है। तो फाइनली मैंने जो इसको ओपन कर लिया है और ये नया अपडेट मेरे सामने आ चुका है, ये अपडेट मैंने कर लिया। और अब यहाँ पे मैं जाके देखूंगा कि सबसे पहले अपडेट बचा है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम अपडेट पर जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे लिखता है द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, यानी अपडेट हो चुका है। तो इसमें एक्सपीरियंस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा कुछ देर तक इसको चला के, मतलब थोड़ा सा क्विक काम करता है, जैसे पहले काम करता था उससे थोड़ा सा स्पीड हो गया ये, यानी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। फिर भी वाले ये कॉल को लेकर कहीं सिर्फ लिखा गया नहीं, कॉल में एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको लगेगा अलग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी भी जो सिस्टम स्लो चलता था उसमें बहुत सारे इंक्रीजमेंट किया है, जिस वजह से आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट चलेगा। तो ये थी कुछ खास अपडेट और इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी इस वीडियो में। और मैं आपको बताता हूँ अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो फटाफट जाइए आप सिस्टम अपडेट पर यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के आप चेक कीजिए मिल जाएगा। और यदि नहीं मिला हो तो परेशान ना हो, यहाँ पे आने के बाद चेक लीजिए, अगर नहीं मिला होगा यहाँ पर आपको अपडेट तो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वीवो का ये सिस्टम है जब तक आपकी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती तब तक ये अपडेट जल्दी नहीं देता है। तो इस वजह से शायद आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तो अपडेट नहीं मिला होगा। तो बिल्कुल निश्चित रहें, बहुत ही जल्द आपको भी अपडेट मिल जाएगी। और आपको अपडेट मिला कि नहीं मिला हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो से संबंधित कोई शिकायत कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिएगा या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में अच्छी यूनिक नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।